आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए नगरपालिक निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर द्वारा निगम सफाई दल की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। नगरपालिक निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर द्वारा निगम सफाई दल की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के बड़े नालों सहित अन्य जल निकासी वाली छोटी नालियों की सफाई, जल जनित बीमारियों के फैलाव को रोकने, हैंडपंप ओवरहेड टैंक एवं संवेल में ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करने सहित स्लम एरिया में क्लोरीन टैबलेट का वितरण किए जाने के लिए आदेशित किया है। निगम आयुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर की उपस्थिति में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को जल भराव वाले क्षेत्रों को प्रमुखता से चिन्हांकित कर जल निकासी के उपाय करने आदेशित किया है। इसे लेकर निगम आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है। कि मानसून सक्रिय हो चुका है छत्तीसगढ़ में, इस तरफ शासन के निर्देश भी हैं कि प्री मानसून पूर्व जितने भी नली नाले हैं और उनकी सफाई कराना है ताकि जल भराव या की स्थिति ना हो और तथा गंदा पानी इधर उधर ना फैले, इसके पक्ष में कल जो है बैठक ली गई थी इसकी स्वच्छता अभियान की। लगभग हमारी सारी नालियों की सफाइयाँ पूर्ण हो चुकी हैं, कुछ एक नालियाँ हैं, एक दो दिन में साफ सफाई हो जाएगी। बहरहाल बरसात को लेकर प्रदेश भर के निगम ने अपनी अपनी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली है। देखना होगा कि इस वर्ष होने वाली बरसात में किन क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति ज्यादा बनती है और कहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।